के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी। सदर इमामबाड़ा लाटसरैया में अंजुमन आबिदिया और 27 अंजुमनों के सहयोग से 72 ताबूत का जुलूस उठाया गया। 31 मुहर्रम पर इमाम हुसैन का गम मनाने के लिए आजादार सदर इमामबाड़े में एकत्र हुए। करबला के 72 शहीदों की याद में जब ताबूत उठाए गए तो हर शख्स की आंख अक्सबार थी। हजरत अली अजगर का ताबूत देखकर महिलाएं जोर जोर से रो पड़ी। सलाम और उनके खानवादे, उनके दोस्त, उनके अंसार जिन्हें करबला में बुला करके राजा था, बादशाह था, उसके लश्कर ने उनके अंसार के उनके साथियों को, 72 साथियों को करबला के मैदान में शहीद कर दिया और उनके लाशें बेजोड़ कफन मक्कल में पड़े रहे, उनकी याद में ये ताबूत। रविवार को मुख्य जुलूस लाटसरैया स्थित सदर इमामबाड़े पर उठाया गया। इसमें 72 ताबूत की शबी जियारत के लिए सजाई गई थी। 72 ताबूत करबला के 72 शहीदों की याद में निकाले गए। शहादत की बात पड़ी। इस कार्यक्रम की शुरुआत आबिद अब्बास ने तिलावत कुरान से किया। इसके बाद चंदौली, गौहर बनारसी, राजी बिस्वानी एवं सलीम बलरामपुरी ने कलाम को सुनाए। ब्यूरो रिपोर्ट। इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों की याद में मुकीमगंज स्थित मास्टर नासिर साहब की मस्जिद से अलम व ताबूत का कदीमी जुलूस उठाया गया। इराक के करबला शहर में इस्लामी कैलेंडर के सन 61 हिजरी में पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके कतातियों को शहीद कर दिया गया था। उन्हीं की याद में शिया मुसलमान मुहर्रम को गम के रूप में मनाते हैं। जुलूस उठने से पहले मजलिस को खिताब करते हुए मौलाना ने इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों की शहादत को याद किया। मजलिस के बाद जुलूस उठाया गया जिसमें अंजुमन नासिरुल मोमिनीन और अन्य अंजुमनों ने नवा खानी व मातम किया। रिपोर्ट दैनिक भास्कर। राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी को लेकर संसद में साधा निशाना। कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को, 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग, तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अडानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। मॉनसून सत्र के 6th दिन नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चक्रव्यूह की कहानी सुनाते हुए सदन में अंबानी अडानी का जिक्र किया, जिस पर जमकर हंगामा हुआ। स्पीकर सर, मैं समझता हूँ मंत्री जी को अदानी जी और अंबा सॉरी A1 एंड A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूँ। नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूँ, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। राहुल ने केंद्र सरकार पर मिडिल क्लास की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा था। 46 मिनट के भाषण में राहुल ने 4 बार अडानी अंबानी का नाम लिया, साथ ही हलवा सेरेमनी का पोस्टर भी लहराया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राहुल के भाषण के दौरान सिर पकड़ती नजर आईं। वहीं स्पीकर ने राहुल को 4 बार राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में अग्निवीर स्कीम, पेपर लीक, ऐसे ही न्यूज पाने के लिए आप वाराणसी न्यूज बुनकर की आवाज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।